आज कहाँ से शुरू करूं कुछ नहीं मालूम। कैसे आप लोग का स्वागत करूं वो भी नहीं मालूम मुझे। आप सबको मालूम है कि मेरे हस्बैंड अभी नहीं खत्म हो गए। नहीं मन करता है वीडियो बनाने का, कुछ भी नहीं मन करता है किसी भी चीज का। काफी फोन आ रहे हैं मेरे पास, एक महीने मैंने किसी के फोन वोन कुछ नहीं उठाए। क्या भी किसी चीज में नहीं मन है कि मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं, क्या शुरू करूं कुछ नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। मैंने ऊपर वाले से कभी कुछ नहीं मांगा था, बस इतना मांगा था कि जितना तूने दिया है मैं उसी में खुश थी। कभी शौक नहीं मांगे, कभी कुछ नहीं मांगा, खाली एक माथे पे बिंदी सिंदूर रहता था। आज ऊपर वाले ने मेरा वो भी ले लिया। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं, कैसे जिंदगी को आगे ले जाऊं। नहीं मालूम मुझे कैसे कदम आगे रखूं वो भी नहीं मालूम। अभी हम यहाँ से इतना जल्दी छोड़ के भी नहीं जा सकते क्योंकि मेरे बच्चे अभी जॉब नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, दोनों की पढ़ाई है, कोई सोर्स नहीं है मेरे पास। मेरी भी नौकरी मैं 2 साल पहले छोड़ चुकी थी, 2-2.5 साल हो गए तब से, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है रहती थी, इस वजह से उन्होंने मेरी नौकरी छुड़वा दी थी कि तू नौकरी छोड़ दे नहीं तबीयत ठीक रहती है। तो अभी तो कुछ नहीं समझ में आता है कि कैसे कदम रखूं। एक नींद सो जाती हूँ, 2 घंटे 1 घंटे जो नींद आती है उसके बाद पूरा पूरा रात में जागती हूँ। दिमाग बहुत, अभी तो पहले तो मैं बहुत हिम्मती थी, मैं कभी किसी चीज से पीछे नहीं हटी, मैंने हर चीज का सामना किया, कभी कुछ किसी को कुछ बताया नहीं, या तो अपनी किस्मत जो लिखा के आते हैं वो ही भोगना है। ये भी हम लिखा के आए थे शायद से कि इतनी जल्दी चले जाए। अभी गांव से आके मुझे 4 महीने भी नहीं हुए थे और हस्बैंड ने चले गए कि चले गए, कौन सी दुनिया में चले गए, कभी लौट के नहीं आएंगे। अभी नहीं रोती हूँ मैं, बच्चे चिल्लाते हैं, बच्चों के आगे नहीं रोती हूँ कि नहीं रोती, हिम्मत बहुत बांधती हूँ, बहुत हिम्मती थी मैं। अभी सब मेंटली हेल्थ से भी सबसे मैं टूट चुकी हूँ कि सबसे टूट गई। अभी कैसे हिम्मत आगे आएगी मालूम नहीं कि कैसे आगे हिम्मत आएगी, कैसे क्या करूंगी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक गांव से आके मुझे 4-5 दिन हुए, बस ऐसा लगता है कि दरवाजे की अभी बेल बजेगी, अभी बैग लटका के आ जाएंगे। आज तो वो भी उम्मीद टूट गई, 12 बजे तक देखती हूँ कि अभी बेल बजेगी,
अभी दरवाजे की बेल बजेगी, किसी का भी गाड़ी आता है किचन में से जाग के देखती हूँ कि मेरा किचन सामने से सब दिखता है रोड का, कि मेरे जैसी गाड़ी की आवाज आती है। सब कुछ बिखर गया मेरा एक पल में। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं कि कैसे मैं वो जिम्मेदारी पूरा करूंगी, मुझे अभी इस टाइम कुछ नहीं मालूम है। वो मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी वो भी नहीं मालूम, कि जो हमने नहीं सोचा था वो मेरा पल भर में सब बिखर गया, और इसको समेटते समेटते शायद मुझे पूरी जिंदगी लग जाए अगर ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी दी है तो। हाँ सबर मुझे करना पड़ेगा, मेरे बच्चों के लिए जीना है मुझे, बच्चों के लिए मेहनत करनी। वो तो चले गए, वो तो अब वापस आने वाले नहीं है, शायद कभी नहीं वापस आएंगे वो। अकेले ऊपर वाला टाइम होता है तो जाता है, तो कुछ टेंशन नहीं होता है आदमी को कि कोई भी हो कि हाँ भाई टाइम हो गया। बगैर टाइम के जाता है, बगैर बताए चले जाते लोग, वो भी चले गए बगैर बताए। न मुझे ये बोले कि मेरे जाने के बाद तू कैसे रहेगी, क्या करेगी आगे का, कुछ नहीं बोले, नहीं मालूम। अभी इस टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग मेरी हिम्मत बनोगे, आगे वीडियो डालूंगी, नहीं तो मैं, मेरा मन नहीं करता है, कि मेरा मन कुछ भी नहीं करता इस टाइम, बस इतना होता है जितना होता है उतना करके। बच्चे चिल्लाते रहते हैं कि बच्चे चिल्लाते हैं, टेंशन लेके बैठती हो दिन भर, रोती हो क्यों रोती हो, हम लोग हैं अभी बच्चे हैं छोटे हैं, अभी उनकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, ये तो सब कुछ जिम्मेदारी है, अभी इतनी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी को निभाते निभाते कब मेरे पैर लड़खड़ा जाएंगे मुझे नहीं मालूम, कि अभी तो हाथ पैर कुछ काम नहीं करते, कब मैं संभलूंगी वो भी नहीं पता, कि अचानक जिंदगी ऐसी बिखर गई कि सब कुछ बिखर गया, कुछ भी हाथ में नहीं कि जो मैं समेट लूं। कैसे क्या बोलूं नहीं समझ में आ रहा है मुझे, कि नहीं समझ में आ रहा है इस जिंदगी को। अकेले ऊपर वाले से एक गुजारिश जरूर थी है कि इतनी जल्दी किसी का मत बिगाड़ो, क्योंकि आदमी की सोचने की सहन शक्ति खत्म हो जाती है, कि वो सोच ही नहीं पा रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे कैसे करे नहीं मालूम, कि कुछ भी नहीं मालूम। आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग अगर मेरा ऐसे ही साथ निभाएंगे तो मैं वीडियो डालूंगी, रोज तो नहीं कर पाऊंगी मैं, कि नहीं होता है मेरे से।
हाँ हफ्ते में एक वीडियो डालूं, कोशिश करूंगी। आप लोग मेरा हिम्मत बनाओ। मैं अभी इस टाइम बहुत परेशान, दिमाग से भी दिमाग बिल्कुल बंद हो गया, ब्लैंक हो चुका है, आंखों से अंधेरा हो चुका है, कुछ नहीं पता। बस आप लोग मेरी हिम्मत बनाए रखो प्लीज़।